Hello dear friends, today our friend is coming here for giving a great education to you. तो आज हम इनसे पूछेंगे कि जो तमिल भाषा है वो कैसे बोली जाती है. Hello dear friend, hello. Hello. Dear friend, I want to learn Tamil language from Hindi or from English. Then first step, what I have to do? नहीं, एप्पल ये किंगे. जैसे मैं आपको कहता हूँ कि नमस्ते, गुड मॉर्निंग, इसको तमिल में कैसे बोलेंगे? इन्हीं काले वनकम, काले वनकम, इन्हीं काले वनकम, इन्हें के इन्हीं है काले वनकम, काले वनकम. तो गुड मॉर्निंग को या नमस्ते को नहीं बोला, इन्हें के काले वनकम, इन्हीं के नहीं, इन्हीं काले वनकम, इन्हें काले वनकम. ठीक है, अगर हम कहते हैं आपका क्या हाल चाल है, How are you? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி நீங்க? நீங்க நீ நீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நீங்க எப்படி இப்படி இப்படி நீ நீங்க எப்படி நீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? இங்கே இருக்கே நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? இருக்கீங்க नींगे एप्री इरकेंगे. इसका मीन्स आपका क्या हाल चाल है? हाँ, की हाल चाल. अभी एक व्यक्ति कहेगा कि मेरा हाल चाल बिल्कुल ठीक है, आई एम वेरी फाइन, रोम्ब नल्ला इरुकेन, रोबन रोम्ब 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 नहीं रो 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 आर आर ओ यू आर ओ यू रो रोम्ब नल्ला इरुकेन रोम्ब नल्ला इरुकेन नल्ला इरुकेन 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 उसमें भी था, इरकन इसमें भी है, इरकेन इरकन इरकेन इरकेन. तो एक व्यक्ति कहता है कि आप क्या काम करते हो, व्हाट 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 आर यू डूइंग, நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या काम करते हो, इसको क्या कहते हैं उसमें, நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க, நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்க, என்ன வேலை செய்றீங்க, வேலை செய்றீங்க, What are you working doing? What are you doing? आप क्या काम करते हो? इन्ने यं इन इन्ने वेले सेरिंगे. वेले सेरिंगे. सेरिंगे. जैसे मैं कहता हूँ मैं accounts का काम करता हूँ, खाते बनाता हूँ. तो उसको I am doing the work of accountant. और I am accounting teacher. वही. What are you working? तो मैं क्या मानता हूँ कि मैं नहीं working है. मैं accounting का teacher हूँ. तो उसको क्या कहेंगे? मैं अकाउंटिंग टीचर. हाँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं अकाउंटिंग पढ़ाने का काम करता हूँ. नान और गवर्नमेंट अधिकारी. नान और गवर्नमेंट अधिकारी. गवर्नमेंट अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मतलब होता लेखापति, मुंशी का काम. वही पणियाळर पगति होते हैं. हाँ, मतलब बैंकिंग वाले होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं. इसको मतलब कि क्या कहेंगे, मैं अकाउंट को पढ़ाने का काम करता हूँ. किसको क्या कहेंगे? अकाउंट को पढ़ाई करने वाले बंदे को. हाँ, उसके कहते हैं अकाउंट मीन्स पढ़ाई करने वाला नहीं बंदो, पढ़ाने वाला. हाँ, वही. उसको तमिल में क्या कहेंगे? मैं तो मक्कल पढ़ के मुयर्ची लेके बहुत बड़ा है. थोड़ा सा थोड़ा बोलिए भी सुना. नान नान மக்களை மக்களை படிக்கிற படிக்கல முயற்சி இருக்கிறேன் முயற்சி எடுக்கலே இருக்கிறேன் எடுக்கலே இருக்கிறேன் எடுக்கலே I R U K K I R E N. जैसे आज दिन बहुत अच्छा है, இன்று நாள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இன்று நாள் இன்று 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 நாள் நாள் நல்லா இருக்கு. இந்தியா நூல் அட குளோ நூல் நீ நாள் நாள் NALL நாள் நல்லா இருக்கு. எடுக்கு எடுக்கு நீ எடுக்கு I R U U K K U K K. अच्छा, जैसे हम कहें आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, நீங்க you are very good person, நீங்க நல்ல மனிதன், நீங்க நல்ல மனிதன், மனிதன் மனிதன் means अच्छे को क्या कहते हैं? अच्छा नल्ला इरुक्कु नल्लाड़क नल्ला इरुक्कु ये अच्छा नल्लाड़क नल्ला इरुक्कु नड़ा नल्ला एक इरुक्कु और ये गंदा कट्टवन कट्टवन
नल्ला यड़क कटावल कटर मीनिंग्स होता है गंदा गंदा ठीक है। तो ये मतलब धीरे धीरे करके हम इसको सीख सकते हैं कहां से, मतलब क्या कैसे एक शब्द शब्द सीखे। जैसे मैंने ये शब्द सीखा, उसके बाद दूसरा सीखा, तीसरा सीखा, ठीक है। और लिखने में कैसे लगती है दिखाओगे लिखने में? जैसे हम कोई चीज लिखते हैं, ये देखो जैसे मैंने अपना नाम लिखा विनोद, विनोद इसको कैसे लिखेंगे तमिल में? अच्छा इस ऐसे लिखेंगे विनोद को, ये मतलब सीधा ही चलती है। ये नहीं दो ना इसको ऊपर ये हाँ दो लिख के ये लिख के अच्छा ये विनोद है। और इसके साथ अगर कुमार लिखना हो विनोद कुमार ऐसे कुमार अच्छा और ये है ठीक है विनोद कुमार ठीक है। यानी ये डाला ये इधर इधर इसी के अंदर ये इधर इधर ये ठीक है इतने आगे ना ऐसे नहीं आने चाहिए, ये चीज नहीं आने चाहिए। अच्छा ये तो ऐसे आना चाहिए। अच्छा मतलब ये अलग अलग आना चाहिए? नहीं नहीं ये चीज आना चाहिए इसकी बात करो। ये ऊपर देखो ना कैसा आया, ये चीज कैसा है, कैसा आया? ठीक एन एन लिखा है, एन एन मेरा नाम देखो। आपका नाम कैसे क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखना पहले अपना नाम, इंग्लिश में लिखो। आपका नाम इंग्लिश में लिखिए, आपका नाम इंग्लिश में काजी राजन। तो इसको कैसे इंग्लिश में? काजी राजन। तो इसका काशी राजन, तो इसको कैसे लिखेंगे बड़े अक्षर में? इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मतलब कि तमिल में कैसे लिखेंगे बड़े अक्षर में? काशी राजन, तो काशी राजन का क्या मीनिंग है? काशी होता है भगवान। अच्छा काशी ठीक है, काशी राजन ठीक है भगवान का। हाँ राजा। ओहो बहुत बढ़िया। एक मिनट मैं एक बार एंड करते हैं इसके इंटरव्यू का, जस्ट वन मिनट आप बैठ के किसी में बैठने नहीं आ रहा। हाँ फिर अपने बात बात करके बैठ देते हैं। प्यारे दोस्तों हैं आप बैठ जाओ ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी ठीक है, बहुत आनंद आया। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे करके आप तमिल सिखा दोगे जैसे ए बी सी ए वैसी होती है उसमें भी ए होता आ आ आ ई ई उ उ वो सभी मैं सिखाओगे। हाँ बिल्कुल मैं फिर टाइम संडे को हम कभी आएंगे तो मैं वो लोगों को भी सिखाएंगे हम तमिल का, हम तमिल लैंग्वेज जरूर सीखेंगे ठीक है। ये प्रॉमिस रहा कि आप मेरे को अच्छी तरह तमिल सिखाओगे। बिल्कुल थैंक यू थैंक यू।